सिरोही में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के गबन मामले में जयपुर एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसओजी टीम ने एएसपी नीरज पाठक के नेतृत्व में थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई के सहयोग से दबिश देकर इस गबन मामले में चार आरोपी वीरेंद्र, भरत, ईश्वर सिंह और भरत वैष्णव को आखिरकार जयपुर से गिरफ्तार कर लिया, जहां एसओजी टीम पूरे मामले को लेकर अब जांच में जुट चुकी है। आज सुबह राजस्थान जयपुर से एसओजी की एक टीम एडिशनल एसपी साहब नीरज पाठक के नेतृत्व में यहाँ आई थी और उस टीम के द्वारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में धोखाधड़ी करने वाले चार मुलजिमों को दस्तयाब किया है, जिनमें वीरू मोदी, उसके बाद एक ईश्वर सिंह थे, भरत वैष्णव और भरत मोदी, इन चारों को लेकर के और एसओजी की टीम वापस जयपुर चली गई। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस खबर पे हमें अपडेट देने के लिए एवन संवाददाता लियाकत अली हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। लियाकत, क्या था ये पूरा मामला और एक बार फिर से आदर्श कोऑपरेटिव लिमिटेड में गबन का मामला सामने आया, एसओजी ने इस पूरी कार्रवाई में कितने लोगों को हिरासत में लिया? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, आदर्श क्रेडिट का जो मामला है, गबन का मामला कई दिनों से चर्चाओं में था, जिसके चलते संस्थापक व अन्य लोग पहले से ही हिरासत में है। वहीं आज एसओजी की टीम ने जयपुर से पहुंचकर यहां पर बड़ी कार्रवाई करते चार और अन्य मुख्य भूमिका वालों को हिरासत में लिया है। अल सुबह ये दबिश दी एसओजी की टीम ने उनके निवास स्थान से और निवास से ही चारों आरोपियों को हिरासत में लिया है। जी जी लियाकत, इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? जी बिल्कुल, एसओजी की टीम यहाँ से उनको लेकर जयपुर गई है, जिसमें आरोपियों के अंदर जिन बात करें तो वीरेंद्र मोदी है, भरत मोदी है, ईश्वर सिंह और एक भरत वैष्णव है। इनको अल सुबह चारों को घर से गिरफ्तार करके एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी दबिश दी है। जी लियाकत, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? क्या ये चारों आरोपी पहले भी ऐसे ही मामलों में लिप्त थे? जी बिल्कुल, हालांकि ये आदर्श सोसाइटी का मामला है जो बहुत ही बड़े लेवल का मामला है, इसमें कई लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए, करोड़ों अरबों रुपए का गबन का मामला है, जिसके चलते कई लोगों को शिकायतें मिल रही थी लगातार कि जो हम पैसे लेने जा रहे हैं तो ग्राहकों को संतुष्टिपूर्ण ना तो जवाब दिया जा रहा था और ग्राहकों को इधर से उधर कस्टमरों को दौड़ाया जा रहा था, जिसके चलते एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर दबिश देते हुए कार्रवाई की है, जिसके चलते जांच भी कर रही है। जी जी लियाकत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से बता दूं कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के गबन के मामले में एसओजी की टीम ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है।